नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लाइव ट्रेडर नीलेश पे। सो आज जो हम लोग का एक स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम था वो मैंने स्टॉप कर दिया है। सो अभी हम लोग डे के हाईलाइट देखेंगे। अगर आपने पूरा लाइव स्ट्रीम मिस किया रहेगा तो हम लोग ने आज क्या क्या ट्रेड किया, फिर एक एक्चुअल में एक डे कैसा था इसका एक 5 to 6 मिनट में हम लोग हाईलाइट्स देखेंगे। सो सबसे पहले जब मॉर्निंग को हम लोग ने स्टार्ट किया तो निफ्टी एक पॉजिटिव जरूर यहाँ पे एक अच्छा सा गैप ओपनिंग था और एक पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा था। मतलब हमें लग रहा था कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। स्टार्टिंग में जो निफ्टी था एक रेंज में ही चला, देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज में ही चला, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हुआ तो उसके बाद यहाँ पे डाउन मूवमेंट कंफर्म हो गया। सो मॉर्निंग से मैं बोल रहा था कि अगर आप पुट ऑप्शन बाई करके चलते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होगा आपको, और जिन्होंने किया रहेगा अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ रहेगा उनसे। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही पूरा डाउन था और मॉर्निंग से ही यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म था। एक रेजिस्टेंस लाइन पे ही चल रहा था, एक क्लियर डाउन ट्रेंड था। एक काफ़ी बढ़िया दिन था ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए भी, कि पुट ऑप्शन जिन्होंने भी बाई किया रहेगा उन्होंने अच्छा खासा भी प्रॉफिट बुकिंग किया रहेगा। और देख सकते पूरा जो निफ्टी बैंक है वो पूरा एक डाउन ही है, अभी भी एक डाउन ही बनाते जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकता है लेकिन फिर से दोबारा डाउन ही जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का फर्स्ट ट्रेड था M&M फाइनेंस में, मैंने कहा था M&M फाइनेंस में, क्यों मैंने कहा था, देखिए 205 पे मैंने ये लेवल ब्रेक होने पे एक मैंने ट्रेड सजेस्ट किया था। अगर ये ब्रेक होता है ये लेवल तो ज़रूर आप बाय करके चल सॉरी शॉर्ट करें ये लेवल को, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 208 तक का मेरा स्टॉप लॉस था ये लेवल का, और जो मेरा 205.5 या 205 के करीब मेरा एंट्री था शॉर्ट साइड का। सो यहाँ पे मेरे 3 पॉइंट मेरे मैंने रिस्क रखा था, और जो मेरा टारगेट था वो 201 के करीब था, 200 के करीब था, लेकिन टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लॉस भी हुआ नहीं। एक 203 ये लो बना के ज़रूर यहाँ तक आया है। सो नो प्रॉफिट नो लॉसेस है कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट ज़रूर यहाँ पे मिले रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड मैंने सजेस्ट किया था एक बायोकॉन का किया था, बायोकॉन का भी शॉर्ट साइड का बोला था। मैंने सारे सारे जो शॉर्ट साइड का ट्रेड इसीलिए दिए थे क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी डाउन थे इसीलिए। सो 422 पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने बोला था, सॉरी इस लेवल पे ये जो लो ब्रेक किया था 422 पे मैंने शॉर्ट करने बोला था, और उसके बाद देख सकते हैं शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन ही आया। 416 का मैंने टारगेट बताया था और जो मेरा स्टॉप लॉस था ये पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। सो ये भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है लेकिन मूवमेंट आया नहीं इसके बाद ज़्यादा। एक एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से ये दो बेरिश कैंडल बने हैं, रेड कैंडल बने हैं, सो ऐसे कैंडल हमें देखने मिलेंगे, अभी तक तो आए नहीं है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। उसके बाद आएंगे बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में काफ़ी रिकमेंडेशन के साथ चेक कीजिए, और यहाँ पे डाउन मूवमेंट होने के कारण मैंने शॉर्ट करने को ही बोला था। जब ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मैंने बोला था एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़रूर बनेगा, और जिन्होंने कहीं पे भी अगर इस लेवल पे भी अगर एंट्री लिया रहेगा सो एंड तक वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। बिल्कुल अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना। शॉर्ट साइड का मैंने ट्रेड सारे सजेस्ट किए थे मोस्ट ऑफ। HDFC बैंक का एक काफ़ी अच्छा मैंने ट्रेड बोला था, ये थोड़ा सा हम लोगों को 10 बजे के करीब बोला था मैंने कि जो 1100 का जो एक पॉइंट है ये जो एक पॉइंट ब्रेक होने दीजिए, और जैसे ये 1100 पे क्योंकि एक एक पॉइंट होता है इससे काफ़ी एक क्रिटिकल माइलस्टोन होता है। सो 1100 का जब पॉइंट ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहा, मतलब एक उसी एक्शन में खिलता रहे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली प्राइस डाउन आते रहा, और यहाँ पे 72 का इसने लो बनाया है, अभी भी ये लो जा रहा है और मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक का भी लो जाएगा। सो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट 10-15 या फिर अच्छे पॉइंट यहाँ पे बुक किया। मैंने बोला था पार्ट प्रॉफिट बुक करके चलिए, लेकिन मेरा जो एक टारगेट था 91 था, लेकिन यहाँ पे 72 के करीब प्राइस आया है, 77 करंट प्राइस है। उसके बाद टेक महिंद्रा में मैंने बाय के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि एक बार ये ब्रेकआउट होने दीजिए उसके बाद, लेकिन यहाँ से आपको पूरा दिन वेट करना पड़ेगा अगर आप ट्रेड लेते हो तो। सो ये भी काफ़ी अच्छा एक था, लेकिन यहाँ पे इतना मुझे स्ट्रेंथ नहीं लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग हो चुका था। टेक महिंद्रा में मॉर्निंग से हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद रिलायंस, रिलायंस का मैंने काफ़ी एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट किया था कि ये जो एक ब्रेकआउट होने से एक जो बॉक्स है बॉक्स से ब्रेक होने दीजिए रिलायंस को, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आएगा। जैसे ही बॉक्स के बाहर
रिलायंस का कैंडल क्लोज होता है उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर ऊपर क्लोज होगा तो लॉन्ग कर सकते हो। तो शॉर्ट किया था जिन्होंने, क्योंकि बॉक्स के बाहर क्लोज हुआ, देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन यहाँ पे बना था जिसे बॉक्स के बाहर क्लोज हुआ। सो अराउंड 29 या 20 सॉरी 30 में बहुत लोगों ने एंट्री लिया था 28 पे, ये बॉक्स ब्रेक होने के बाद, और उन्होंने एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट बुकिंग भी किया रहेगा विद इन 10 to 15 मिनट्स। यहाँ पे एक अच्छा खासा 10-15 पॉइंट का यहाँ पे गेन हुआ रहेगा विदाउट एनी रिस्क। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कभी ऊपर आया ही नहीं, उस रेंज तक कभी गया ही नहीं, जो हम लोग का एक शॉर्ट ट्रेड था, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बोला था और नीचे बाय। सो गाइज, और एक दूसरा था एक बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में मैंने एक सजेस्ट किया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है। सो अगर ब्रेकआउट पे अगर आप शॉर्ट करके चलते हैं सो बिल्कुल यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल दिन रहेगा उनका, और अच्छा खासा भी प्रॉफिट बुक किया रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे 1259 अगर ब्रेकआउट पे शॉर्ट किया रहेगा, करंट प्राइस है 45। सो विद इन आपको 10 मिनट्स तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिले रहेंगे। सो ये आज का दिन का हाईलाइट था। निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड है, एक रेजिस्टेंस लाइन पे ही चल रहा है। निफ्टी बैंक भी एक सॉरी निफ्टी भी एक डाउन ट्रेंड है और निफ्टी बैंक भी। सो जिन्होंने पुट ऑप्शन बाई किया रहेगा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया रहेगा, पुट ऑप्शन ही मैंने सजेस्ट किया था। सो ये आज का एक दिन था, अगर आपने मिस किया देखे तो हाईलाइट्स प्लीज़ देख लीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसका रीज़न ये था कि मुझे सैटरडे संडे को कई मैसेजेस आए, कई कमेंट्स आए कि सर आपको जब आप अगर लाइव स्ट्रीम करोगे अपने ट्रेड्स का तो सेबी के रूल्स एंड गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, बैन हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने एक दो जन से पूछा भी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मैं मांग रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये कंफर्म होना चाहिए, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर या मेरे चैनल के ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाए या फिर कुछ एलिगेशन लिए जाए। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ कुछ न्यूज़ होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ एक्शन होगा, सो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, मेरा मेल आईडी दिया गया है। सो एक बार मेल कर दीजिए ताकि मैं भी यहाँ पे निश्चिंत और फिर से मेरा जो एक ट्रेडिंग इसे यहाँ पे स्टार्ट कर सकूँ, मैं भी ट्रेड लेता हूँ, आपको भी पता है। सो गाइस, अगर कुछ आपके पास रहेगा ऐसा कुछ सेबी का डॉक्यूमेंट्स, कुछ गाइडलाइंस, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेल कर सकते हो। कुछ आपके कमेंट्स रहेंगे, कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो आज का ये दिन था। सो गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।